है बजाज का पल्सर NS 160 जो 23,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये एनएस पल्सर NS 200 ये 27,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये NS 160 ये भी अक्टूबर 2020 का है और इसका प्राइस भी 93,000 रखा हुआ है। BS4 मॉडल है, 2017 का लास्ट का है। R15 Version 3 ये 2018 लास्ट का है। ये चला हुआ है 24,000 किलोमीटर। ये है बजाज का एवेंजर 160 2021 का, इसका आस्किंग प्राइस है 9। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले जो हमने यंगजंस मोटर का वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप लोगों ने काफी प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो फाइनली आज दोबारा से आ चुके हम लोग यंगजंस मोटर पे बिल्कुल नए स्टॉक के साथ, जिनको एनएस की तलाश है उनके लिए एनएस की 4-4 या पे बाइक अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में इस शोरूम पे जितने भी बाइक है सारे बाइक के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन लोगों को नहीं पता ये शोरूम कहाँ पे है उनको बता दे, यंगजंस मोटर है बीरपारा में, पेनूड एकेडमी की ठीक सामने। तो बुलाते हैं शोरूम के ओनर को और लेते हैं पूरी जानकारी रिफाइनेंस के बारे में, ओनरशिप चेंजेस के बारे में और सारे बाइक के बारे में। तो हमारे साथ है इस शोरूम का ओनर। तो कैसे हो भैया? बढ़िया है। तो शुरू करते हैं पहली बाइक से जो है बजाज की तरफ से NS 160। क्या डिटेल है इसका? ये बजाज 160 है, बजाज का पल्सर NS 160 जो अक्टूबर 2020 का है, जो 23,000 किलोमीटर चला हुआ है। फर्स्ट ओनर है ये? हाँ फर्स्ट ओनर है। इसका प्राइस 93,000 रखा है। 93,000 आपने प्राइस रखा और ये प्राइस नेगोशिएबल है? हाँ नेगोशिएबल नेगोशिएबल है। और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे उनके लिए भी हाँ डिस्काउंट थोड़ा हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोबारा से एक और NS 200, इसका क्या डिटेल्स है? इस तरफ आ जाइए। ये एनएस पल्सर NS 200 ये दिसंबर 2020 का है। अच्छा, और कितना किलोमीटर चला ये? 27,000 किलोमीटर चला हुआ है। फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर 27,000 किलोमीटर चला, दिसंबर 2020 का गाड़ी है। प्राइस क्या रखा है? प्राइस रखा है इसका 1,05,000। 1,05,000 इसका आस्किंग प्राइस है। उसके बाद एक और NS 160। ये NS 160 ये भी अक्टूबर 2020 का है। हाँ। ये भी 24,000 लगभग चला हुआ है और इसका प्राइस भी 93,000 रखा हुआ है। 93,000 और ये भी फर्स्ट ओनर? ये भी फर्स्ट ओनर है। और इन बाइक्स में रिफाइनेंस हो जाएगा? हाँ रिफाइनेंस हो जाएगा। और क्या आप लोग सिर्फ अलीपुर द्वार में भी अभी भी कर रहे हैं या फिर बाहर के डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं? अभी जैसे अलीपुर, माथाभांगा, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, सारे एरिया के अंदर आप लोग अभी कर रहे हैं। और जो लोग बाहर से है देख रहे हैं, बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं और रिफाइनेंस करना चाहते हैं वो लोग जरूर कर सकते हैं। और IDFC बैंक की तरफ से यहाँ पे रिफाइनेंस अवेलेबल है। उसके बाद एक और बजाज की पल्सर NS 160, क्या रिटेल? ये पल्सर NS 160 है, ये हमारा पुलिस भाई का गाड़ी है। अभी ये मेरे नाम में है गाड़ी, मेरे नाम में ट्रांसफर करके दिया हुआ है। ये 2018 का है, एकदम बहुत बढ़िया कंडीशन में। इसको मैं चलाता भी हूँ और कितने बार सिलीगुड़ी अप डाउन भी किया हूँ। बहुत बढ़िया गाड़ी है। कितना किलोमीटर चला है? ये लगभग 28,000 चला हुआ है। लगभग 28,000 चला हुआ है। और प्राइस क्या रखा है इसका? प्राइस रखा हुआ है 85,000। 85,000 और कौन सा मॉडल है? मतलब ये 2018 का, 2018 का ये NS, जुलाई 2018 का, जुलाई 2018 का। और NS के बाद हम लोग सीधा चले आएंगे हीरो की सुपर स्प्लेंडर की तरफ। तो भैया इधर हीरो सुपर स्प्लेंडर, ये हीरो का सुपर स्प्लेंडर BS4 मॉडल है, 2017 का लास्ट का है। इसका टायर दिखाइए, टायर भी नया है, दोनों टायर न्यू ब्रांड है। तो डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 30,000 देना पड़ेगा। 30,000 आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं TVS की एंटॉर्क की तरफ। ये है एंटॉर्क फरवरी 2023 का। अच्छा, ये है सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है ये, एक लेडीज का था, फिर उसने एक स्टूडेंट लड़का को बिक्री किया था। अच्छा। और लड़का का पढ़ाई खत्म हो गया। हाँ। तो उसने फिर मुझे बिक्री करके चला गया। अच्छा। तो इसका आस्किंग प्राइस है 80,000। 80,000 आस्किंग प्राइस है। ये चला हुआ बहुत कम है, ये 7,000 समथिंग चला हुआ है, 7,000 के आसपास किलोमीटर चला है। फरवरी 2023 का,
टायर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में और बॉडी भी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं होंडा की एविएटर की तरफ। इधर आ जाओ भाई, एविएटर दिखाओ। ये होंडा का एविएटर 2018 का है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर है। इसका प्राइस है 46,000। 46,000 2018 का एविएटर। और कितना किलोमीटर चला है लगभग? ये चला हुआ है 30 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर के करीब ये चला हुआ है। तो इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा। इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा। ओके, और अभी बात कर लेते हैं रिफाइनेंस के बारे में। हमने आप लोगों को बता दिया है, तो अभी बात करते हैं ओनरशिप चेंजेस के बारे में। क्या आप लोग चेंज करके देते हैं या फिर बायर को पैसा देना पड़ेगा? ये जैसे गाड़ी का प्राइस है, ये जो मैंने बोला इसमें नेगोशिएबल भी है। अच्छा। तो गाड़ी का नेगोशिएबल करके जो प्राइस गाड़ी का बनता है वो तो गाड़ी का बनेगा। उसके बाद नाम ट्रांसफर का अलग देना पड़ेगा। जैसे आलीपुर का, हाँ आलीपुर का नंबर है, हाँ बायर भी आलीपुर का ही है और ऑनर भी आलीपुर का है, तो 3,000 रुपया हमारा नाम ट्रांसफर का लगता है। 3,000 का आलीपुर का अगर नंबर प्लेट हो तो, और बाहर का हो तो? और बाहर का हो तो 4,000 रुपया लगता है। 4,000 रुपया लगता है ओनरशिप चेंजेस के लिए। तो इधर आ जाओ भाई, इधर दिखाते हैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। ये है क्लासिक 350 2018 का, मई 2018 का है। ये 38,000 चला हुआ है। 38,000 किलोमीटर चला हुआ है, 18 का मॉडल है और फर्स्ट ओनर है ये। हाँ फर्स्ट ओनर है। अच्छा, आस्किंग प्राइस क्या है इसका? 125 है। 125,000 आस्किंग प्राइस है 18 का 350 क्लासिक। ठीक से दिखाओ बॉडी टायर, ठीक से दिखाओ। और उसके बाद यामा की R15 वर्जन 3। हाँ R15 वर्जन 3, ये 2018 लास्ट का है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है ये भी। हाँ। इसका आस्किंग प्राइस है 99,000। 99,000 आस्किंग प्राइस है, फर्स्ट ओनर है। कितना किलोमीटर चला है ये? चला हुआ है 24,000 किलोमीटर। 24,000 किलोमीटर ये चला हुआ है। और कोई अगर इस R15 को रिफाइनेंस करना चाहे तो डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 40 देना पड़ेगा। 40 देना पड़ेगा, 1,40,000 देना पड़ेगा आपको डाउन पेमेंट। ठीक है, उसके बाद चले आते हैं इनको इस तरफ। जिन लोगों को क्रूजर बाइक पसंद है, तलाश है, उनके लिए बजाज की एवेंजर। ये है बजाज का एवेंजर 160। हाँ। ये अक्टूबर 2021 का है। 2021 का, 2021 का। इसका आस्किंग प्राइस है 95,000। 95,000 ये 21 का लास्ट का है, अक्टूबर का है। अच्छा, अक्टूबर का गाड़ी है, 2021 का फर्स्ट ओनर है। 95,000 आस्किंग प्राइस है। और कितना किलोमीटर चला है ये? चला हुआ है 42,000। 42,000 ये चला हुआ है। उसके बाद एक और बाइक टीवीएस की रेडियन। टीवीएस की रेडियन ये है अक्टूबर 2022 का गाड़ी। हाँ। ये 1.5 साल जैसा हो रहा है ये गाड़ी का। अच्छा, अभी तो इसका आस्किंग प्राइस है 68,000। 68,000 आस्किंग प्राइस है अक्टूबर 2022 का। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 28,000 किलोमीटर चला हुआ, 28,000 के करीब किलोमीटर चला है। टायर भी बिल्कुल नए कंडीशन में ही है, कंपनी का टायर। तो उसके बाद हीरो की सुपर स्प्लेंडर, क्या डिटेल्स है इसका? ये है हीरो का सुपर स्प्लेंडर। ये हीरो का सुपर स्प्लेंडर है। हाँ। ये 2021 का है। ये 2021 का गाड़ी। हाँ। है, कितना किलोमीटर चला है ये? चला हुआ है 18,200। 18,200 फर्स्ट ओनर है ये। फर्स्ट ओनर। टायर कंडीशन दिखाओ, ठीक से बॉडी दिखाओ, स्क्रैचलेस कंडीशन में ही है। और प्राइस क्या रखा है आपने इसका? इसका 68,000 रखा है। 68,000 आपने आस्किंग प्राइस इसका रखा है। और इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा, और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट तो रहेगा ही रहेगा। और अगर इसमें कोई रिफाइनेंस करना चाहे तो डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 30,000 डाउन पेमेंट करके आप ये बाइक ले जा सकते हैं। उसके बाद होंडा की एक्टिवा, क्या डिटेल्स है इसका? ये होंडा का एक्टिवा 5G। हाँ, ये गाड़ी है होंडा का एक्टिवा 5G 2018 का फर्स्ट ओनर है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 46,000 इसका आस्किंग प्राइस। आस्किंग प्राइस। और कितना किलोमीटर चला है लगभग? ये चला हुआ है 28,000 किलोमीटर। 28,000 किलोमीटर चला हुआ है और 46,000 आपने प्राइस रखा है। 18 का मॉडल है। उसके बाद होंडा की एविएटर। एविएटर ये होंडा का एविएटर है, ये 2014 का मॉडल है। इसका आस्किंग प्राइस 30,000 रखा है। इसका आस्किंग प्राइस आपने 30,000 रखा है। और 30,000 में थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। अच्छा, और 30,000 में क्या रिफाइनेंस होगा? 30,000 में ना इसका रिफाइनेंस नहीं होगा। ये 14 का गाड़ी है, 14 का गाड़ी है, इसमें रिफाइनेंस नहीं होगा। कैश में लेना पड़ेगा ये, लेना अगर आपको ये लेना है तो कैश में ही आपको लेना पड़ेगा। तो अंदर का हमने दिखा दिया, अभी चलते हैं सीधा बाहर। तो अभी आ चुके हैं हम लोग बाहर। और ये क्या डिटेल्स है होंडा शाइन का? ये होंडा होंडा एसपी 125 है। ये 2021 का गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर 2021 का मॉडल है। कितना किलोमीटर चला है ये? 7,100 किलोमीटर चला हुआ है। अच्छा, और प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस रखा है 70,000। 70,000 आस्किंग प्राइस है, इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद बजाज की पल्सर 150, क्या डिटेल्स है इसका? ये बजाज का पल्सर 160 150 है। ये 2019 का है। अच्छा,
टायर कंडीशन दिखाओ, टायर कंडीशन जो टायर न्यू है, ब्रांड न्यू है टायर, 19 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है ये, सेकंड ओनर है, फर्स्ट ओनर कितना किलोमीटर चला लगता है? ये 23,000 किलोमीटर चला हुआ है, 23,000 के करीब किलोमीटर चलाया। और प्राइस क्या रखा है आपने? प्राइस इसका रखा हुआ है 70,000 प्राइस रखा, और इसमें रिफाइनेंस हो जाएगा, रिफाइनेंस हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? दोनों का ही प्राइस 70,000 है, 70,000 है तो 30,000 के करीब आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा इन दोनों के लिए, अगर कोई भी लेना चाहते हो तो। उसके बाद एक और बुलेट 350, क्या डिटेल्स है? ये बुलेट 350 है, ये अक्टूबर 2015 का गाड़ी है, अक्टूबर 2015 फर्स्ट ओनर है ये। इसका आस्किंग प्राइस है 93,000 आस्किंग प्राइस है। 15 का गाड़ी है, क्या इसमें रिफाइनेंस होगा? रिफाइनेंस होगा इसका, इन वन ईयर का होगा, वन ईयर का होगा। और इसका डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, कितना? इसका डाउन पेमेंट 50 होगा, 50,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और कितना किलोमीटर चला है लगभग ये? ये लगभग चला हुआ है 63,000 के करीब ये किलोमीटर चला है, और ये 2015 का मॉडल है। उसके बाद चलते हैं नीचे हीरो की, हीरो होंडा पैशन प्रो की तरफ, क्या डिटेल्स है भैया इसका? हमारे शोरूम का सबसे कम दाम वाला गाड़ी है। अच्छा, क्या ये 2011 का पैशन प्रो है, 2011 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है। कितना किलोमीटर चला है ये? चला हुआ है लगभग 45-47,000 किलोमीटर चला हुआ, 45-47,000 के आसपास ये चला हुआ है। इसका आस्किंग प्राइस है 27,000 आस्किंग प्राइस है, और इस शोरूम पे सबसे कम दाम में मिलने वाली गाड़ी है। और इसका इंजन सील्ड है, अभी भी सील्ड है और फर्स्ट क्लास है, और इसका सेल्फ स्टार्ट है ये गाड़ी, सेल्फ स्टार्ट में है गाड़ी 27,000 में ओनली, और इसमें भी नेगोशिएबल थोड़ा बहुत हो जाएगा। और उसके बाद अपाचे आरटीआर 160, ये है अपाची आरटीआर 160 2017 का, ये भी फर्स्ट ओनर है। इसका आस्किंग प्राइस है 65,000, ये करीबन 37,000 चला हुआ है, 37,000 के करीब किलोमीटर चला है, 65,000 अपने प्राइस रखा है, 2017 का मॉडल है। और अगर कोई अलीपुर द्वार के बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी देख रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिफाइनेंस हो जाएगा। और 65,000 में रिफाइनेंस कितना देना पड़ेगा? 30,000 देना पड़ेगा, 30,000 देना पड़ेगा। उसके बाद एक और आरटीआर 160 2021 लास्ट का है। अच्छा, ये BS6 है, BS6 मॉडल है, और इसका ये 2021 अक्टूबर का है शायद, लास्ट का है। तो इसका किलोमीटर चला हुआ है 37,000। और प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस 95,000, और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, और इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए इस तरफ, हीरो की HF डिलक्स, क्या डिटेल्स है इसका? ये हीरो का डिलक्स है, ये भी फर्स्ट ओनर है, ये जुलाई 2021 का गाड़ी है, जुलाई 2021 का गाड़ी है, और फर्स्ट ओनर है ये। 57,000 इसका प्राइस है, आस्किंग प्राइस है 57,000। और कितना किलोमीटर चला? ये चला हुआ है 27,000 किलोमीटर, ये 27,000 के किलोमीटर आसपास चला हुआ है, और प्राइस है 57,000, और इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा IDFC बैंक की तरफ से। और आज की इस वीडियो की और इस शोरूम की आखिरी बाइक है यहाँ पे बजाज की डिस्कवर, क्या डिटेल्स है इसका? ये बजाज का दिखाओ यहाँ पे, ये बजाज का डिस्कवर 125M है। अच्छा, ये 2015 का है, फर्स्ट ओनर है। हाँ, इसका आस्किंग प्राइस 38,000 है, 38,000 अपने आस्किंग प्राइस रखा, 2015 का डिस्कवर फर्स्ट ओनर गाड़ी, और कितना किलोमीटर चलाई है? ये चला हुआ है 35,000 के करीब, 35,000 के करीब किलोमीटर चला है इसका। और इस प्राइस में 38,000 में रिफाइनेंस हो जाएगा, और ये प्राइस नेगोशिएबल भी है। और आपको बता दें, जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे, मतलब हुईली बाना चैनल की तरफ से आएंगे, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे रहेगा। क्यों भैया? इसमें ये जो 2015 का गाड़ी है, इसीलिए इसका, और ये 2011 का ये पैशन प्रो, और जो एविएटर 2014 का, ये तीन का रिफाइनेंस नहीं होगा। अच्छा, इसमें रिफाइनेंस नहीं होगा, लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। तो आज की वीडियो यही तक है, हमने आप लोगों को दिखा दिया यंजन्स मोटर पे स्टॉक और सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाइक कैसी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे आए नंबर से आप शोरूम के ओनर से बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे डिटेल्स मिल जाएगा, वहां भी चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।